भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम की शाही जीत के बाद खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस जीत का श्रेय अपनी टीम की महिला साथी खिलाड़ियों को दिया है। वहीं मिताली ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी की भी तारीफ की है। कीवी टीम के खिलाफ मिली इस जीत के बाद भारत टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाह नदार शतक जमाने वाली मिताली राज ने एक प्रेस वार्ता में कहा, मैं इस जीत से बहुत खुश हूं। शायद यह मेरे लिए आखिरी विश्व कप हो सकता है, इसलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य सेमीफाइनल में प्रवेश करना था। महिला साथ खिलाड़ियों ने शानदार खेल की मिसाल पेश की, जिसकी बदौलत हम मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सके। उन्होंने कहा, मैंने भी बेहतरीन शतक जमाया। अपने देश के लिए रन बनाने में मुझे बेहद खुशी मिलती है। मैं अपनी टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हूं तथा बहुत सारे रन बनाना चाहती हूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने कहा, हमने सही समय पर दो महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाई, जिसकी बदौलत हमें जीत प्राप्त हुई और हम सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाए। मिताली राज ने कहा, एक साझेदारी हरमनप्रीत कौर के साथ और दूसरी वेदा के साथ बनी, जो हमारी टीम के लिए जीत का शानदार सूत्र साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कहा, जब आप 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हैं, तब आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के अहम मुकाबले में शनिवार को भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो वाले मैच में शानदार जीत हासिल की, जिसमें मिताली राज ने शानदार शतक जमाया, जो उनके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का छठा शतक था। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेगा।